हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज हम करने वाले हैं हमारी बाइक के साथ एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा बाइक है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये जो हमारी पेट्रोल की टंकी है इसमें से जो कनेक्शन आता है वो हटा देंगे, और कार्बेटर में जो ये टंकी का कनेक्शन जाता है ये, तो इसमें हम पेट्रोल भर लेंगे। ये 250 मिली की बोतल है, तो ये पूरी बोतल भर लेंगे और जो डायरेक्ट इसके उसको कार्बेटर के अंदर कनेक्शन हम दे देंगे। तो ये हमारा जो टंकी में जो पेट्रोल है वहां से हम कनेक्शन पहले तो हटा देंगे इधर। तो जो यहाँ पर जो कनेक्शन है हमारी टंकी में से जो पेट्रोल आता है वो हटा देंगे, और यहाँ से जो ये हमारी बोतल है 250 मिली की वो भर लेंगे, और इसमें से जो हमें पता चल जाएंगे कि 1 लीटर में कितना बाइक हमारा चलता है, क्योंकि 1 लीटर हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम 250 मिली ही पेट्रोल लेंगे और आपको बताएंगे कि कितना किलोमीटर चलता है। तो अभी ये हमारी बोतल है वो पेट्रोल की हमने भर ली है पूरी। तो ये जो नली है, नली तो इसको हम अंदर डाल देंगे। तो अभी यहाँ पर हमने कनेक्शन है वो टंकी में से हटा दिया है, देखो। तो अभी ये हमारी बाइक है वो इसमें पेट्रोल नहीं है, जो कार्बेटर के अंदर जो पेट्रोल आता है वो भी हमने खत्म कर दिया है, वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है अभी, देखो। पूरा पेट्रोल है वो हमने खाली कर दिया है, अभी स्टार्ट नहीं होगी बाइक हमारी। अब जो इसके कार्बेटर में जो पेट्रोल आता है वो भी हमने खत्म कर दिया है सारा। तो अभी हम ये जो कार्बेटर के अंदर अंदर फिट कर देंगे कनेक्शन। तो ये जो हमारी टंकी की जो पाइप है उसको हमने हटा दिया है, अभी ये टंकी का जो कनेक्शन है वो भी इसमें था तो ये हटा दिया है। तो ये बोतल जो हमने 250 मिली पेट्रोल भरा है वो हम इसमें डाल देंगे, यहाँ से कनेक्शन दे देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा पेट्रोल आ गया है। तो ये हमने कनेक्शन यहाँ पर दे दिया है सीधा कार्बेटर में, ये टंकी में से पेट्रोल नहीं आएगा, ये बोतल में से आएगा। तो इतना पेट्रोल तो हमारा खाली हो गया है क्योंकि ये पाइप है वो पाइप में पेट्रोल चला गया है। तो ये पूरा पेट्रोल है वो आपको मैं ख़त्म करके दिखाऊंगा, और 250 मिली में कितना हमारा बाइक चलता है वो आज आप देख लेना। तो अभी यहाँ पर किलोमीटर देख लो, 93 किलोमीटर है, 93.0। तो अब 93 से लेकर कितना किलोमीटर चलेगा वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो पहले तो हम हमारी बाइक को स्टार्ट कर लेंगे, देखो पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अभी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम यहाँ पर आगे ले जाएंगे और देखते हैं कि कितना चलता है हमारा बाइक। तो अभी हम जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर हो गया है, तो 1 किलोमीटर में इतना पेट्रोल ख़त्म हुआ है। तो कब ये कितना किलोमीटर में ये पेट्रोल ख़त्म होगा वो आपको हम बताएंगे। तो अभी 1 किलोमीटर पूरा हुआ है, तो आगे आगे देखते हैं कि कितना किलोमीटर चलता है वो, और आप सब वीडियो में आखिरी तक रहे और हमारा वीडियो देखे कि कितना बाइक हमारा 1 लीटर पेट्रोल में चलता है वो। तो ये तो बस 250 मिली ही है पेट्रोल, तो देखते हैं कितना किलोमीटर चलता है वो।
बैठा लो हमें। तो अभी 90 यहाँ पर 93 किलोमीटर था तो 95 हो गया है। तो यहाँ 2 किलोमीटर हमारा बाइक चल गया है। तो 2 किलोमीटर में अभी आधा ही पेट्रोल हमारा खाली नहीं हुआ 250 मिली में। तो ये देखो यहाँ पर हमने कनेक्शन नहीं दिया है जो हमारी पेट्रोल टंकी है इसमें से। तो ये जो अभी पेट्रोल आ रहा है ये बोतल में से आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से भी आगे जाएंगे। अभी 2 किलोमीटर चला है तो देखते हैं कि ये कितना चलेगा वो। तो अभी हम आगे जाएंगे यहाँ से। 9 बजे का भी जाए तो अभी हमारा जो बाइक है वो 96 हो गया है, 93 था। अभी आधा पेट्रोल है वो हमारा खत्म हो गया है देखो बोतल में। तो अभी कितना जाएगा वो तो हमें भी नहीं पता। तो हम देखते हैं कि कितना चलता है हमारा बाइक। तो अभी हम 4 किलोमीटर आगे आ गए है। तो 93 था तो 97 हो गया है। तो अभी 4 किलोमीटर चल गया है हमारा बाइक और इतना था पेट्रोल अभी भी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। तो हम अभी आगे जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे हमारा किलोमीटर कितना हुआ है वो। तो अभी हमारा 98 किलोमीटर हो गया, 93 था। तो 5 किलोमीटर है वो हमारा बाइक चल गया है। तो अभी इतना था पेट्रोल है देखो, अभी आधा से थोड़ा ज्यादा कम हो गया है। तो अभी जो हमारा किलोमीटर है वो 99 हो गया है, 93 से लेकर। तो और इतना पेट्रोल है वो बाकी है खत्म होने में। तो आगे आगे देखते हैं कि कितना किलोमीटर चलता है वो। तो अभी हमारा जो बाइक है वो यहाँ पर 0-0 हो गया है। तो वहाँ पर 93 किलोमीटर था। तो हमारा जो बाइक है वो 7 किलोमीटर चल गया है। तो अभी सात किलोमीटर चला है और इतना सा पेट्रोल है। तो अभी इतना पेट्रोल खत्म होने में बाकी है। तो देखते हैं कि आगे कितना चलेगा वो। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो इतना सा पेट्रोल अभी बाकी है। तो अभी हमारा जो 9 किलोमीटर तो चल गया है हमारा बाइक। तो अभी आगे कितना चलेगा वो आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो जो अभी हमारा जो पेट्रोल है वो इतना सा बचा है और खत्म होने वाला है। तो जो हमारा जो किलोमीटर है वो अभी 04 है, वहाँ पर 93 किलोमीटर था। तो अभी 11 किलोमीटर है वो हमारा बाइक चला है 11 किलोमीटर। तो अभी हम देखेंगे कि आगे आगे कितना हमारा बाइक जाएगा वो। तो अभी जो हमारा बाइक है वो 13 किलोमीटर चल गया है। तो अभी हम लास्ट में आपको यहाँ पर हमारा जो किलोमीटर है वो दिखाएंगे। तो अभी ये बोतल में जो हमारा पेट्रोल है वो खत्म हो गया है देखो। अभी ये बोतल के अंदर पेट्रोल नहीं है, जो हमारा ये पाइप जाता है और जो हमारा जो कार्बेटर है वो दोनों में पेट्रोल है। तो अभी हम हमारे बाइक जब एक जगह पे खड़ी हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तब भी आपको मैं बताऊंगा कि हमारी बाइक है वो 250 मिली में कितना किलोमीटर चला है वो। जो हमारा आज हमने बाइक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वो अभी इसमें पेट्रोल भी खत्म हो गया है, जो ये पाइप है उसमें भी खत्म हो गया है और जो हमारा कार्बेटर है उसमें भी पेट्रोल खत्म है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बाइक में सारा पेट्रोल खत्म हो गया है और बाद में मैं बताऊंगा कि हमारा कितना किलोमीटर चला है। तो अभी देखो ये हमारा सावी भी स्टार्ट है। तो अभी पेट्रोल सारा खत्म हो गया है देखो, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख लो कितना किलोमीटर चला है। तो 93 से लेकर हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर 93 था। तो अभी 0.08 हो गया है। तो ये हमारा बाइक है वो बोलो काटने को।
चलो भाई। तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था 250 मिली में कितना हमारा बाइक चलता है वो, तो अभी ये बोतल में भी पेट्रोल खत्म हो गया है, जो हमारा ये पाइप है उसमें भी खत्म हो गया है, और जो इसमें अंदर कार्बेटर आता है उसमें भी खत्म कर दिया है। अभी देखो इसमें चाबी है वो भी स्टार्ट है, अभी ये स्टार्ट नहीं हो रही, देखो तो अभी हमारे बाइक में सारा पेट्रोल है वो खत्म हो गया है। तो बचा 250 मिली में देखो कितना कितना किलोमीटर चला है, तो यहाँ पर 08 है, वहाँ पर 93 किलोमीटर था, तो अभी ये 15 किलोमीटर हमारी बाइक चली है 250 मिली में। तो अगर हम 1 लीटर हमारा जो पेट्रोल होता है तो उसमें 60 किलोमीटर चलता है। तो बस आज आपके वीडियो में हमारे जो वीडियो में आपको मज़ा आया है और कुछ जानने के लिए मिला है, तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।